राजस्थान के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी श्री अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय प्रसादी लाल जी, सम्मानीय लालचंद जी कटारिया, सम्मानीय रघु शर्मा जी, प्रताप सिंह जी, गोविंद जी डोटासरा, उदयलाल जी अंजना, महेश जी जोशी, राजेंद्र जी यादव, ममता भूपेश जी, सम्मानीय विश्नोई साहब, महेंद्र जी, हमारे CS DV गुप्ता जी, कुंजीलाल जी मीणा, अजिताभ जी, सम्मानीय रांका साहब, उपस्थित सभी अधिकारीगण, कॉरपोरेट जगत के सभी भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, उद्योगिना सिंह मुपैति लक्ष्मी। उद्योग जो है उससे लक्ष्मी जी का वासा रहता है और लक्ष्मी बरसती है, लेकिन ये कब लगते हैं? जब भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन सब का समन्वय होता है तब उद्योग लगता है। मैं आज आपको राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 और राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। प्रकृति ने राजस्थान को सूर्य की रोशनी प्रचुर मात्रा में दी है। सोलर रेडिएशन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यदि कहीं है तो वो राजस्थान में है। यहाँ 1,42,000 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से पैदा की जा सकती है और पवन ऊर्जा 1,27,000 मेगावाट पैदा की जा सकती है। और इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान पूरे देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दूसरा राज्य है जो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। राजस्थान में एंटरप्रेन्योरशिप तो खूब है, लेकिन पिछले वर्षों में एंटरप्रेन्योरशिप राजस्थान से बाहर चली गई, लेकिन इन नीतियों के कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो नीतियां बनी है, मैं राजस्थान के लोगों को आमंत्रित करता हूं कि राजस्थान कॉलिंग, राजस्थान आपको पुकार रहा है कि आप आइए, नहीं तो पीछे रह जाओगे, दूसरे लोग आ जाएंगे और यहाँ उद्योग लगा लेंगे। इसलिए इन नीतियों को जारी करते हुए मैं हर्ष हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने पांचों नीतियां भी जारी करेंगे, इन्हीं की प्रेरणा से ये नीतियां बनी हैं। और मैं आपसे खास तौर से कहना चाहता हूं कि 2019 और 20 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम नई नीतियां लाएंगे, वो नीतियां आज आप ही के कर कमलों के द्वारा जारी की जाएंगी। राजस्थान में आज 4,650 सौर मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। 200 मेगावाट रूफटॉप घरों में जो बिजली पैदा होती है, 200 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। और आने वाले वक्त में जब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी तो हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि कम से कम आने वाले कुछ समय में हम 4,000 मेगावाट और पूरी पॉलिसी से हम 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य सौर ऊर्जा के माध्यम से रखते हैं। इसके अलावा नेट मीटरिंग स्कीम के तहत घरेलू जो संयंत्र हैं उन पर भी और राजकीय भवनों पर भी सोलर ऊर्जा के रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे, जिससे सरकारी बिजली में जो खर्च आता है उसमें भी रेगुलर जो बजट है उसमें कमी आएगी और उसका लाभ सरकारी बिल्डिंग को भी मिल सकेगा। मैं इस अवसर पर खास तौर से इस एनर्जी के माध्यम से हम किसानों को भी लाभ देना चाहते हैं। कुसुम योजना एक आ रही है जिसमें सोलर पंप लगाए जाएंगे, उसमें 30% अनुदान किसानों को राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, 30% हम केंद्र से दिलवाएंगे, 30% राशि नाबार्ड का ऋण होगा और 10% राशि केवल किसान को खर्च करनी होगी। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं, मान लो 5,00,000 का सोलर पंप है तो उसमें केवल 50,000 रुपये किसान को खर्च करने पड़ेंगे, बाकी अनुदान जो है 1,50,000 का राज्य सरकार की तरफ से, 1,50,000 केंद्र सरकार की तरफ से, 1,50,000 का नाबार्ड का ऋण होगा। और जब सिंचाई के अलावा जब बिजली वो पैदा करेगा वो हमारे ग्रिड में जाएगी, उससे उसकी किस्त चुक जाएगी, यानी 10% राशि में सोलर पंप किसान अपने खेत में लगा सकेगा और दिन में अच्छी क्वालिटी की बिजली प्राप्त कर सकेगा। इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा निजी विकासकर्ताओं
निवेशकर्ताओं और साहसियों के लिए जॉइंट वेंचर कंपनियां बनाकर सोलर पार्क विकसित करने का प्रावधान है। इसके अलावा जो बड़े संयंत्र लगेंगे 500 मेगावाट, 200 मेगावाट, 300 मेगावाट, इसमें खास तौर से राज्य सरकार के साथ जॉइंट वेंचर करके भी आप कंपनियां बना करके, हमारे जो अक्षय ऊर्जा निगम है उसके साथ जॉइंट वेंचर करके भी आप संयंत्र लगा सकते हैं। नई नीति में रोजगार के अवसर मिलेंगे, निवेश के अवसर बढ़ेंगे और कुल मिलाकर प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इससे अंतर्राज्यीय प्रसारण तंत्र में विकसित करने का प्रावधान है। जो बिजली हमारे पास एक्स्ट्रा होगी उसको हम आने वाले समय में अन्य राज्यों को भी दे सकेंगे। मैं इस अवसर पर हमारे उद्यमियों को और राजस्थान के निवासियों को भी बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से राजस्थान की कमान संभाली है, राजस्थान में 946 मेगावाट बिजली का उत्पादन नया बढ़ा है और आज हम 21,000 लगभग 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन या तो कर रहे हैं या हमको हमारे हिस्से में या हमारे सहयोग से जो हमारे प्लांट लगे हुए हैं उससे हमको मिल रही है। और बिजली के मामले में राजस्थान आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। आने वाले समय में बहुत जल्दी हम मार्च के आसपास सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी लाने वाले हैं। मैं इस अवसर पर जो नई सौर ऊर्जा नीति है उसके हाइलाइट्स आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। निजी कृषि भूमि का उपयोग भवन एवं सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए बिना भू रूपांतरण के किया जा सकता है। लैंड कन्वर्जन की सारी कठिनाइयां मुख्यमंत्री ने समाप्त कर दी है। निजी भूमि खरीद के लिए सीलिंग लिमिट में छूट प्रदान की गई है, सीलिंग की कोई बाध्यता नहीं है, सीलिंग में पूरी छूट दे दी गई है। प्रसारण एवं वितरण शुल्क में छूट, राज्य में स्वयं के उपयोग एवं तृतीय पक्ष को विक्रय हेतु वर्ष 2023 तक स्थापित होने वाले या 500 मेगावाट क्षमता पवन सौर एवं हाइब्रिड संयंत्रों को प्रसारण वितरण शुल्क में 7 वर्ष तक 50% तक की छूट, स्टोरेज के साथ अक्षय ऊर्जा संयंत्रों को एवं रीपावर्ड पवन ऊर्जा संयंत्रों को प्रसारण एवं वितरण शुल्क में 7 वर्ष तक 75% छूट, अक्षय ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को प्रसारण एवं वितरण शुल्क में 10 वर्ष तक 100% छूट, कैप्टिव उपभोग हेतु स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों को विद्युत शुल्क में 7 वर्ष तक एवं पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्रों को पूर्ण रूप से छूट, कैप्टिव उपभोग एवं तृतीय पक्ष को विक्रय हेतु स्थापित संयंत्रों को वार्षिक बैंकिंग की सुविधा, सौर एवं पवन ऊर्जा उपकरण निर्माताओं को लाभ / छूट, 100% स्टैम्प शुल्क में छूट, मैं समझता हूं कि ये पहले कभी नहीं थी, 50% की रियायती दर पर भूमि आवंटन, 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में पूर्ण छूट। मैं कॉरपोरेट सेक्टर को भी बताना चाहता हूं, खास तौर से हमारे जो बिजली घर है ना सूरतगढ़ छबड़ा वगैरह, हम स्वयं सरकारी कंपनियों के बिजली घरों में विद्युत शुल्क देते हैं, लेकिन इस ग्रीन ऊर्जा को पैदा करने के लिए, उत्पादन करने के लिए हमने 10 वर्ष तक विद्युत शुल्क में पूर्णतः छूट दी है। राज्य कर SGST पर 90% तक निवेश अनुदान, नियोक्ताओं को रोजगार अनुदान, राजस्थान औद्योगिक संवर्धन योजना रिप्स के तहत ब्याज में अनुदान, रिप्स के तहत कस्टमाइज पैकेज एवं अन्य रियायतें, योग्य निर्माताओं को MSME नीति के लाभ, नई नीतियों के निम्न नई तकनीकों का प्रावधान किया गया है, स्टोरेज आधारित अक्षय ऊर्जा संयंत्र, विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र, अक्षय ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, पवन एवं सौर ऊर्जा संयंत्रों का हाइब्रिडाइजेशन, थर्मल पावर प्लांटों का अक्षय ऊर्जा के साथ हाइब्रिडाइजेशन, पुरानी छोटी साइज की पवन चक्कियों को नई बड़ी साइज की चक्कियों में बदलना, सोलर रूफटॉप संयंत्रों के लिए ग्रॉस मीटरिंग स्कीम एवं रेस्को प्रणाली का प्रावधान, ये ऐसे प्रावधान है जिससे उद्यमियों को आगे आकर इसका लाभ मिलेगा।
मैं राजस्थान के तमाम कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों से और तमाम प्रवासी राजस्थानियों से इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा का लाभ लें, नहीं तो बाहर से लोग आएंगे और आकर के ये सारी सौर ऊर्जा को लेकर चले जाएंगे। इसलिए आप सब लोग आगे आएं, स्वयं अथवा कुछ औद्योगिक घराने मिलकर सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक लाभ लें, इस नीति का लाभ लें और इस नीति के माध्यम से सौर ऊर्जा का उत्पादन करें। अब तक हम लोगों ने जो सौर ऊर्जा प्राप्त की है वो बहुत कम है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, 1,42,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की क्षमता राजस्थान में है। आइए हम 30,000 का लक्ष्य पहले प्राप्त करें और फिर आगे की मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं इस सौर ऊर्जा नीति और पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें प्रेरणा दी और जो रिलैक्सेशन दिए, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद। नई सौर ऊर्जा नीति 2019 के मुख्य बिंदु आपके समक्ष रखे माननीय ऊर्जा मंत्री ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।